हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपमेंट टूडे डॉट कॉम। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो ये जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो ये समझिए किसको रियल नंबर बोलेंगे और किसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इस एक्स को बोलेंगे रियल पार्ट एंड इस वाई को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सपोज जेड इक्वल टू थ्री प्लस फाइव वाई। थ्री इज कॉल्ड रियल, फाइव इज कॉल्ड इमेजिनरी। ए प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट इज इक्वल टू जीरो। यदि बोलेगा कि जो सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, मीन्स ये जो एक्स है रियल पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। और यदि ऐसे बोले जो ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो। इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू जीरो। सो ये जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स इज द रियल पार्ट, वाई इज द इमेजिनरी पार्ट। इसी को हम आर्गन प्लेन पे भी प्लॉट कर सकते हैं, along the x axis or along the y axis। suppose मैं एक इक्वेशन लेता हूं x square plus 1 is equal to 0 और मैं क्वेश्चन बोलूं how many real solution of x। जो x square plus 1 में x के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन 0 हो, तो यदि ये बोलूं क्वेश्चन how many real solution of x, तो आंसर होगा नो रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स। नो रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स। ऐसा क्यों? एक्स स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर, उसमें हम एक नंबर को ऐड कर रहे हैं, मींस दो पॉजिटिव नंबर मिलके कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसके अंदर कोई रियल नंबर, इसका कोई सॉल्यूशन ही है नहीं, क्योंकि एक्स का कोई भी वैल्यू यहां पे डालिएगा तो ये दोनों पॉजिटिव होगा और दो पॉजिटिव नंबर्स कभी जीरो नहीं हो सकते हैं। सपोज मैं माइनस वन डालूं तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन टू, वन का स्क्वायर प्लस वन टू, टू का स्क्वायर प्लस वन फाइव, माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन अगेन फाइव। सो मीन देर इज नो रियल सोल्यूशन ऑफ एक्स। लेकिन इसके अंदर अब सोल्यूशन यदि मैं पूछूं इमेजिनरी सोल्यूशन कितना है, तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन एंड दिस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस वन। इसका मतलब है ये जो रूट के अंदर माइनस वन आ गया, इसको बोल लेते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। और ये रूट माइनस वन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं इसको, आई से। इसको आयोटा भी बोलते हैं। सो दिस आई इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन। यदि मैं इसका स्क्वायर करूं, आई का स्क्वायर, इट बिकम्स माइनस वन। आई का क्यूब करूं तो इसको बोल सकते हैं हम लोग आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज वॉट माइनस वन इंटू आई, इट बिकम्स माइनस आई। यदि इसका आई टू द पावर फोर करूं तो देखिए क्या होगा, आई टू द पावर फोर को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन रूट ऑफ माइनस वन रूट ऑफ माइनस वन इंटू रूट ऑफ माइनस वन, दोनों रूट कैंसिल, सो माइनस वन इंटू माइनस वन इट बिकम्स प्लस वन। सो आई टू द पावर फोर का वैल्यू वन होता है।
अब आपको क्या ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो पहला क्वेश्चन बनता है, आई इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, आई टू द पावर फोर इक्वल टू वन। आई टू द पावर फोर इक्वल टू वन का मीनिंग है, यदि आई के ऊपर फोर के मल्टीपल में कोई भी पावर मूव कर रहा हो तो वैल्यू इज वन। कैसे? सपोज आई टू द पावर एट, इस वैल्यू इज अगेन वन। वाई? आई टू द पावर फोर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि फोर इंटू टू इसका वैल्यू वन का स्क्वायर भी बिकम वन। आई टू द पावर ट्वेल्व अगेन वन, आई टू द पावर सिक्सटीन अगेन वन, आई टू द पावर ट्वेंटी अगेन वन। सो फोर के कोई भी मल्टीपल यदि यहाँ पे है तो आंसर हमेशा क्या होगा मेरा? वन होगा। सपोज आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे आई टू द पावर 256, क्या होगा वैल्यू? तो आपको क्या करना है, क्या ये 256 फोर के मल्टीपल हैं? तो देखिए इधर, फोर डिवाइड बाय 256, फोर फोर जा फोर सिक्स जा 24 एंड ये 64, मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई टू द पावर फोर इंटू 64। तो 64 इंटू फोर क्या है हमारा? 256, मीन्स फोर के मल्टीपल्स में 8 है ये। नाउ इसका वैल्यू होता है वन, वन टू द पावर 64, आंसर इज वन। ऐसा हम क्वेश्चन पूछ दें, आई टू द पावर 257, तो हमने अभी जस्ट देखा था जो ये 256 क्या है, 64 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 64 प्लस वन, दैट इज वॉट आई टू द पावर 4 इंटू 64 इंटू आई टू द पावर वन। अब इसका वैल्यू क्या होता है? वन, क्योंकि ये फोर के मल्टीपल्स में, तो वन इंटू आई, आंसर क्या हो जाएगा? आई वन सेकेंड। आपको एक बड़े से इक्वेशन से लिख के दे दें, वन प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर फोर प्लस आई टू द पावर फाइव प्लस आई टू द पावर सिक्स, बोलेगा आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए। तो देखिए, वन प्लस आई, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, यहाँ पे हम लोग लिखिए माइनस वन, प्लस आई क्यू का वैल्यू अगेन इज माइनस आई, सो माइनस आई, आई टू द पावर फोर का वैल्यू वन, आई टू द पावर फाइव का वैल्यू अगेन आई, एंड आई टू द पावर सिक्स का वैल्यू, सो इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर फोर इंटू आई का स्क्वायर। सो वन प्लस आई माइनस वन माइनस आई प्लस वन प्लस आई और अगेन माइनस वन, क्योंकि ये आई टू द पावर फोर क्या हो जाएगा? वन, और आई स्क्वायर इज बिकम माइनस वन। सो वन माइनस वन कैंसिल, प्लस आई माइनस आई कैंसिल, वन माइनस वन, सो आंसर इज आई। यदि आपसे कोई पूछे आई टू द पावर फोर एन प्लस वन का वैल्यू क्या होगा, वेयर दिस एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब सोचिए इस चीज को ऐसे, आई टू द पावर कैन राइट फोर इंटू एन इंटू आई टू द पावर वन, ये फोर इंटू एन और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन टू थ्री फोर फोर फाइव सिक्स, राइट, वन से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स फोर इंटू वन, फोर इंटू टू, फोर इंटू थ्री, फोर इंटू, ये क्या चल रहा है? फोर से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो फोर से जब मल्टीप्लाई हो रहा है इसका वैल्यू वन इंटू आई। यदि ऐसा लिख दे आई टू द पावर फोर एन प्लस टू, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब इसका आंसर क्या होगा? आई टू द पावर फोर एन इंटू आई का स्क्वायर। सो आई टू द पावर फोर एन इट बिकम्स अगेन वन इंटू आई स्क्वायर, सो वन इंटू आई स्क्वायर दैट इज वन इंटू माइनस वन, आंसर इज माइनस वन। सपोज आपको ऐसा बोले आई टू द पावर फोर एन प्लस थ्री, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई टू द पावर फोर एन इंटू आई का क्यूब, ये आई टू द पावर फोर एन अगेन वन इंटू आई क्यूब, इसको लिख सकते हैं वन इंटू आई स्क्वायर इंटू आई, सो दैट इज वॉट वन इंटू माइनस वन इंटू आई, सो दिस बिकम माइनस आई। सो दिस इज द, ये जो पूरा कंसेप्ट है ये आयोटा का है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे सम मिलेंगे,
इतने सम्स हैं इन केस के अंदर जो आप सिर्फ इस फॉर्मूला को आप यदि अच्छे से समझ गए, जो आई इक्वल टू रूट माइनस वन, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई एंड आई टू द पावर फोर इक्वल टू वन, मीन्स आई पे जो भी आपको कंप्लीटेड, सपोज मैं यहाँ पे दे दूँ इस तरह से 1028, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो मुझे नहीं पता है अभी जो ये क्या वैल्यू है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, इस 1028 को मैं 4 से डिवाइड कर लूँगा। जैसे मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा, 4 टू जा 8, 10 में से 8 गया तो 2, 22, 4 5 जा 20, इस 2 8, 4 7 जा 28। अब देखिए क्या हो रहा है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 257। अब ये क्या है, 1028 4 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं, मीन्स 4 इंटू 257। और हमने क्या बोला, यदि कंप्लीट 4 का मल्टीपल है उसका वैल्यू क्या होगा, 1, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ही मैं यदि ऐसे बोलूँ आई टू द पावर 1029 का वैल्यू क्या होगा, आई टू द पावर 1029 का वैल्यू क्या होगा, तो फिर से 1029 को क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड 4 टू जा 8, 10 में से 8 गया तो 2, 2 4 5 जा 20, इस अगेन 2 9 4 7 जा 28 1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आई टू द पावर 4 इंटू 257 प्लस 1, और ये इंडेसिस है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 257 इंटू आई टू द पावर 1। ये जो 4 के मल्टीपल है इसका वैल्यू होता है 1 इंटू आई, सो दिस इज आई। सो थैंक यू सो मच, आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, और जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ से ही स्टार्ट होता है, तो आप इस टाइप के सम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।